आम इंतखाबात के बाद पंजाब असेंबली के पहले इजलास में साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 70% अरकान पहले भी असेंबली का हिस्सा रह चुके हैं। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों के अक्सर अरकान पहली मरतबा असेंबली को रौनक बख्श रहे हैं। अरकान असेंबली पहले अपना कार्ड हासिल करते जिसके बाद वो ऐवान में जाने के लिए असेंबली में दाखिल होते। उन्होंने कहा कि अवाम ने उन पर जो एतमाद किया है इस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब भी एक वर्कर की हैसियत से अपने कायदीन की जेरे क़यादत काम करूंगा। राबते का फुकदान नहीं होना चाहिए, आप आवाम के दुख सुख में शामिल हों। इस मुल्क को बागडोर एक अच्छे लीडरों के हाथ में आ गई है। अरकान असेंबली का कहना है कि वो ऐवान में सिर्फ आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर आए हैं और उन्होंने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला अब भी हम अपनी लेडीज के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम आवाम की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम मौका मिला है असेंबली में तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी कि हम किसी को मायूस नहीं करेंगे। अरकान असेंबली की बड़ी तादाद अपने साथियों के हमरा असेंबली के पहले इजलास में शिरकत के लिए पहुंची। मुस्लिम लीग नून के साबिक स्पीकर अफजल साहिद समेत दीगर अरकान का असेंबली पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नौमुंतखब अरकान असेंबली का कहना है कि अवाम के वोटों की ताकत से वो इस ऐवान में पहुंचे हैं और अब हकीकी मानों में अवाम की खिदमत भी करेंगे। कैमरामैन काशिफ बेग और साथी रिपोर्टर अली अकबर के साथ उमर असलम, सिटी 42, पंजाब असेंबली।